करते हैं, और वो चीज़ें जो टेक्स्ट कोड जो है ऑटोमेटिकली कैसे उठ के आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परचेस साइकिल। यही हमारा डेटाबेस था जो कल हमने बनाया था, एक अलग से ब्रांच बनाया था ABCD। तो ये था आप सर स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर शेयर लीजिए। कर लीजिए। अच्छा स्क्रीन शेयर तो कर रखा है आई थिंक मैंने। हाँ शेयर्ड है स्क्रीन। हेलो गौर साहब, ठाकुर साहब, दुर्गेश सर, स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? पहले दिख रहा था तो चले गया, अब वापस आ गया। ना ना शेयर किया हुआ है इसकी। चलिए तो हम लोग परचेस साइकिल में आते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? परचेस कोटेशन रिक्वेस्ट देख लिया था। कोटेशन के केस में मैंने बोला था कि मल्टीपल वेंडर का बना के जब चेक करेंगे उसी आइटम को, तो आप कोटेशन भी कंपेयर कर सकते। तो मैं आपको आज कोटेशन भी कंपेयर करा ही देता हूँ। हमने कल बनाया था एक वेंडर को, जो आइटम जो बनाया था हम उसी को पहले उठाते हैं, उसी आइटम को फिर से हम दूसरे। ये था वेंडर वन, ये सारे आइटम थे। अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करके आप चाहे तो एक्सेल में इसको डाल सकते हैं, और सिर्फ इसी आइटम को फिर मैं दूसरे वेंडर के लिए डालूंगा, ठीक है? तो आप देखिएगा कि कैसे ये कंपेयर करके लाता है। तो इसको मैंने उठाया और यहाँ पे एक्सेल में मैंने इस टेबल को जैसे ही राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे यहाँ पे स्पेशल पे, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। ये क्यों किया मैंने, ताकि मैं यहाँ से कॉपी करके उसमें इजिली कैचअप कर लूँगा। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर दूसरा कोटेशन बना रहा हूँ। यहाँ पे वेंडर है, इसमें एक फील्ड में कम कर देता हूँ ताकि ये डिफॉल्ट ब्रांच लिस्ट आए। तो अब इसमें से हमने वेंडर वन लिया था, अब हम वेंडर टू को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? वेंडर टू को सिलेक्ट किया। अब ये यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो आइटम थे वही सारे आइटम्स हम यहाँ पे भी डालते हैं। ये जो सारे आइटम थे आपके जो हमने फर्स्ट पे लिए थे, वही आइटम रिक्वायर डेट की डेट, ये सारे क्वांटिटी में उसी पे डाल, सिर्फ प्राइस में अलग डालूंगा इस पे, बाकी चीज़ें सेम ही रहेगा। तो मैंने इसे लिया, यहाँ पे आए और कंट्रोल भी कर दिया। ये देखिए ये सारे आ गए क्वांटिटी, ठीक है? अब इसमें प्राइस वेरी कर दूंगा। प्राइस जो है इसको मैंने कर दिया 300। हाँ सर बताइए, कोई क्वेश्चन है तो? एक क्वेश्चन ये एक है क्वेश्चन कि ये है यदि कि वेंडर के यदि पास वेंडर के ईआरपी पास नहीं है ईआरपी नहीं है तो तो ऑटोमेटिक हो ऑटोमेटिक सकता हो है, या सकता है यदि या उसके यदि बाद उसके बाद ईआरपी है तो ईआरपी क्या है तो उसका क्या वो उसका वो रहेगा, रहेगा। वो इस पे रिप्लाई कर सकता है क्या? नहीं, वेंडर का अगर ईआरपी है तो भी या ना है तो भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वेंडर आप इसको ऑनलाइन नहीं कनेक्ट कर रहे हैं कि जो आपको उस पर रिप्लाई करेगा या मेल करेगा। मेल तो जैसे नॉर्मली वो करता है या जो रिप्लाई करता है उसी हिसाब से होगा। ये क्लाउड अगर आप उसको ऑनलाइन कराएंगे कि हम इसी से क्लिक करें वहां पे चलो, तो वो वेंडर पोर्टल कहलाता है। वो अलग ही एक सर्वर टाइप का बनता है जिसपे कि आप अपनी नीड डाल देंगे तो वो वेंडर पोर्टल कहलाता है। ये आपका ईआरपी जो है उससे आपका वेंडर जो है वो कनेक्टेड नहीं होगा, और ना ही इस पे आपका वो डेटा देख सकता है। जैसे आप टैली यूज करते हैं तो क्या वेंडर देख सकता है? नहीं, यूज देख सकता है। उसी तरह से ईआरपी है, वो डेटा नहीं देख सकता, नहीं वो इससे कनेक्ट कर सकता। हाँ अगर सपोज दैट आपने फिर ऑर्डर बनाया और आप ये चाहते हैं कि हमारा वेंडर देख ले कि मैं ये ऑर्डर उसको देना दे रहा हूँ या दिया हूँ, तो उसके लिए वेंडर पोर्टल अलग से बनवाना पड़ता है। वो सर्वर टाइप का बनता है, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं ना उस तरह से बनता है। उस वेंडर पोर्टल पे आप डाल देंगे तो वहां से क्या करेगा, वो जो आपका वेंडर होगा उस रिक्वायरमेंट को, उस ऑर्डर को फैचअप कर लेगा, उठा लेगा, और उसके बेस पे आपको मटेरियल भेजना शुरू करेगा। इसमें सैप में एंट्री के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसके पास ईआरपी होना चाहिए, वो मैनुअली भी काम कर रहा होगा। तो ये तो आप अपनी टीम मेंटेन करेंगे ना, आपकी जो एंट्री है वो मेंटेन होगी सैप में। नहीं, ये हम बोला था यदि इसको थोड़ा यदि इसको थोड़ा यदि ऑटोमेशन ऑटोमेशन करें कि जैसे करेंगे जैसे वेंडर वेंडर उसी उसी में में वेंडर पोर्टल वेंडर में चला पोर्टल में गया, चला गया, वेंडर पोर्टल वेंडर ने पोर्टल उसका ने अपना उसका रेट अपना कोट रेट करा कोट और करा और वापस वापस इसको फैचअप करने फैचअप के उसका करने रेट की ही उसका आया रेट ही है, आया है। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? या मतलब ये सिस्टम में आ जाए वहां से वेंडर पोर्टल से? हाँ हाँ ये हो जाएगा। आप यहाँ से सिस्टम से वेंडर पोर्टल पे डाल सकते हैं और वेंडर पोर्टल से सिस्टम में आप डाल सकते हैं, वो हो जाएगा।
हाँ ये चीजें हो जाएगी कि पोर्टल पे आप यहाँ पे डालेंगे इसका रेट, या फिर ऑर्डर क्वांटिटी आप यहाँ पे डालेंगे रेट वगैरह, वो वेंडर पोर्टल पे चला जाएगा, ये चीजें हो जाएगी आपका। ठीक है और सर। वेंडर पोर्टल पे जो भी आपको वेंडर डालेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ वही ऑटोमेशन में भी हो जाएगा सर। हाँ वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कनेक्ट होता है। वो क्या करते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं टेक्निकली, उसकी कोडिंग होती है, कोडिंग करके इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ प्राइस डाल रहे हैं सबका, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मैंने डाल दिया किसी तरफ, ये उससे मैच नहीं होगा, हो सकता है मैच भी कर जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट डालूँ। अब इसको डाल दिया, ठीक है, इसको डालने के बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा रिक्वायर्ड डेट। रिक्वायर्ड डेट यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 31/03/22, सॉरी 23। अब ये पूछेगा कि सबको अपडेट करना है, तो यस कर देता हूँ मैं इसको। ये सारे आपके रिक्वायर्ड डेट चेंज हो गए, अब आप इसको ऐड कीजिए कि आपके ऐड हो गए फाई एंड एक्टिव ब्रांच। अच्छा, यहाँ पे ब्रांच में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट बिजनेस पार्टनर असाइन टू एआर, हमने ब्रांच बाद में बनाया है, इसको असाइन कर देते हैं, इसको ब्रांच असाइन नहीं किया हुआ है। अब ये सारे जितने भी बिजनेस पार्टनर होंगे जिस पे नहीं अपडेट होंगे ब्रांच असाइन करने पड़ेंगे। अगर हमारा ये पहले से बना था या बनाने के समय हम इसको अपडेट कर देते तो ये हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया, कोटेशन बन गया। ठीक है, तो आपका एक कोटेशन ये बना। अच्छा एक चीज़ और हो गया इसमें गड़बड़, हमें क्या करना था, जो हमारा परचेज रिक्वेस्ट बना हुआ था उसी से कोटेशन बना था, ये हमने तो बाहर से कॉपी करके इसमें बना लिया, लेकिन हमें क्या करना था। अब देखिए मैं बनाता हूँ फिर से, जरा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहा, जो रिक्वेस्ट था उससे अगर हम बनाते हैं, जो ये था परचेज रिक्वेस्ट यहाँ पे, अच्छा उसका बन चुका है, तो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रह पाएगा। अगर हम देखें ये है हमारा कोटेशन, अब इसमें अगर हो गया परचेज कोटेशन, तो इसमें देखिए इसमें जितने भी आइटम्स हैं ये सारे हैं, देखिए क्यूटेड क्वांटिटी कितना है 200, क्यूटेड ड्यूट क्या है ये है, उसके बाद प्राइस कितना है 320, ये रेट करके दे रहा है आपको। ठीक है ग्रुप, अब इसमें ये रहा कि इसी वेंडर से हमने इससे पहले वाला था, अब हमें क्या पूरा ग्रुप वाइज वेंडर, अब वेंडर वाइज ग्रुप अगर करेंगे तो ये ओके कर दिया। ठीक है, हमें तो एक ही आइटम का बनाना चाहिए था दो वेंडर पे, कि ये है और उसको ये कंपेयर करके ला दे, तो हमें वेंडर वाइज लेके आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये एक ही आइटम से हमने मल्टी वेंडर लिया और उसको लेके आया, तो फिर वो हमारा एक्चुअल एनालिसिस होता। तो मैं उसकी बात कर रहा था, यहाँ पे एक ही वेंडर है उस पर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है, तो इसमें एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हमें कोई विशेष एडवांटेज मिल नहीं पाएगा। हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, सारे के क्यूटेड क्वांटिटी और यही दिखा रहा है, अब तो एक ही फिक्स है इस पे। अब इस पे अगर हम ग्रुप बाय परचेस कोटेशन, परचेस कोटेशन से करें तो कोटेशन हमारा इस पे है 28/3 को। अब ये देखिए ये सबसे लोएस्ट प्राइस का है, तो इसको ये हाईलाइट कर रहा है कि ये जो आइटम है, लेकिन ये क्या है, ये दूसरा आइटम, ये दूसरा आइटम, ये दूसरा आइटम, तो हमें करना क्या होगा, हमें वेंडर को प्रिफ्रेंस देना पड़ेगा, प्रिफर्ड वेंडर डाल के, और एक ही आइटम को तीन चार वेंडर से मंगा के फिर उसको प्रिफ्रेंस देखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जिसका सबसे लोएस्ट प्राइस होगा उसको ये हाईलाइट करके देगा। ये चीज़ें हमें करनी है प्रिफर्ड वेंडर को, तो इस तरह से तब जाके होगा, नहीं तो ये तो हमारा हो क्या रहा है कि वो आइटम जो है सब आइटम डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो प्रिफ्रेंस हमें मिल नहीं पाएगा। तो मैं वो करता हूँ आपको, रुकिए एक मिनट, मैं बनाया परचेज रिक्वेस्ट, और परचेज रिक्वेस्ट से बनाऊंगा कोटेशन, और आइटम जो मैं डालूंगा वो होगा प्रीफर्ड वेंडर वाला। तो मैं एक ही आइटम उठाता हूँ, कोई एक आइटम उठा लिया, इससे क्या हो जाएगा ये, और इसका जो है वेंडर
हाँ बताइए सर मेरे को सर, मेरे स्क्रीन को नहीं दिख स्क्रीन रहा नहीं है दिख रहा है शुरू से ही। शुरू से ही। आपका नेट देखिए, फिर बाकी लोगों को दिख रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है। दिख रहा है आप लोगों को, बाकी लोगों को दिख रहा है सर, तो अब इसमें संजय जी बताइए क्या कर सकते हैं। ये क्वांटिटी होगा, इसका इनपुट प्राइस मैं डाल देता हूँ 100 और इसका डाल देता हूँ 200, दोनों का अलग अलग डाल दिया। ठीक है, अब हमारा ये टैक्स वगैरह लग के ये वैल्यू हमारा उठ के आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करके तब फिर मैं इसके बेस पे बनाऊंगा। अब इसके बेस पे हम बनाते हैं क्या, इसके बेस पे हम बना लेते हैं कोटेशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से परचेस कोटेशन बनाऊं तो ये आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूटेड डेट, डेट क्या है क्यूटेड का, तो आज का डेट डालता हूँ यहाँ पे। पहले वेंडर, फिर से वेंडर मांग रहा है ना, गड़बड़ हो गया ये। फिर से वेंडर सेलेक्ट करो तो फिर एक ही वेंडर से मिलेगा। ठीक है, एक वेंडर ये हो गया, नहीं हो जाएगा फिर वेंडर तो अल्टीमेटली हमें सेलेक्ट करना ही पड़ता है। जो चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहा है। ये वेंडर मैंने लिया और यहाँ से मैंने, अच्छा इसको पहले डेट डालते, रिक्वायर्ड डेट हमने इसको डाल रखा है, तो ये है हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को हमने सेलेक्ट किया एंड इसको मैंने फिनिश ड्रो ऑल कर दिया, सभी आ गए। ठीक है, क्यूटेड डेट, क्यूटेड डेट, रिक्वायर्ड डेट, क्यूटेड डेट तो आज का डाल देते हैं, ये रिक्वायर्ड डेट इसमें पड़ा हुआ है, ये आ गया क्यूटेड डेट। क्यूटेड क्वांटिटी, क्यूटेड क्वांटिटी मान लेते कि ये 100 है, ठीक है, या 10 है, ये है हमारा 20। यूनिट प्राइस इसको मैंने 100 डाले थे, इसको मैंने 200 डाले थे। आप चेंज भी कर सकते हैं, यदि कोटेशन तक चेंज होता है उसके बाद ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये हो गया, अब आप इस पर देखिए तो ये टैक्स वगैरह लग के आ गया। अब इसको हम ऐड करते हैं तो देखते हैं फिर एनालिसिस में क्या दिखाता है। ये हमारा ऐड हो गया, ऐड जैसे ही करेंगे अब ये क्या करेगा, यहाँ से अगर देखें तो परचेज कोटेशन, तो अब इसमें जो चीफेस्ट आइटम होगा ये देखिए 200 और प्राइस लिस्ट दिखा रहा है। अब ये क्या करेगा, क्रिएट परचेज ऑर्डर, जैसे ही मैं क्रिएट परचेज ऑर्डर करूँगा, देखिए डू यू वांट टू क्लोज द परचेज कोटेशन विद द सेम ग्रुप नेम, यस टू जनरेट दिस डॉक्यूमेंट फर्स्ट डिफाइन द नंबरिंग सीरीज। क्या बनाया संजय जी, परचेज ऑर्डर बन ही नहीं रहा, परचेज ऑर्डर का इस मतलब नंबरिंग सीरीज नहीं बना है, मैंने तो दिन में पूरा डिफॉल्ट कर दिया था। डॉक्यूमेंट संजय जी चले गए क्या, ये परचेज ऑर्डर, लॉक कर रखा है। अब आते हैं हम लोग, परचेज कोटेशन था यहाँ से, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे जैसे ही कमांड देंगे क्रिएट परचेज ऑर्डर, ये क्या करेगा, जो हमारा देखिए परचेज ऑर्डर नंबर 3 क्रिएटेड यहाँ पे आ गया, सिस्टम हमारा क्या कर देगा, अपने आप परचेज ऑर्डर उठा के लेगा। अब जरा सा देखते हैं कि परचेज ऑर्डर क्या क्रिएट किया है, 3 नंबर जो परचेज क्रिएट किया है किसको लिया है। यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि 20 क्वांटिटीज का जो है ये है 200 रुपीज प्राइस है, उसका ये क्रिएट किया है। अब रही बात कि ये जो क्रिएट किया ज़्यादा प्राइस वाला उठा के लाया है, अब इसमें ये ज़्यादा प्राइस वाला क्यों उठा के लाया, तो इसको अगर देखें तो राइट क्लिक करके अगर हम इसकी एनालिसिस करें, अच्छा ये तो ख़त्म हो गया, ये है ना, ये 200, अच्छा ये हमारा सिलेक्टेड था इसीलिए इसको उठा के लाया। अब रही बात कि यहाँ पे
कई तरीके से, ग्रुप बाय वेंडर, ग्रुप बाय आइटम, ग्रुप बाय परचेस कोटेशन नंबर, ठीक है। तो जिस तरह से हम इसको ग्रुप करेंगे, अब ग्रुप बाय वेंडर अगर करते हैं तो ये देखिए वेंडर वाइज अगर देखेंगे तो ये क्या किया, 100 रुपी प्राइस को सिलेक्ट कर रहा है। अब अगर हम क्रिएट करते परचेज ऑर्डर तो जो सबसे लोएस्ट प्राइस वाला था उसको उठा के लाता। अगर ग्रुप बाय आइटम करेंगे तो ये क्या कर रहा है, आइटम मतलब कि सबसे ज्यादा आइटम किस पे है, ऊपर आप ऊपर वाला देख रहे हो उस पर 20 आइटम है, ये क्या है आपका नीचे वाला जो है आपका 10 आइटम है, ठीक है। तो वो आइटम वाइज अगर देख रहा है तो भी ये 100 रुपीज वाले लेके आ रहा है। ग्रुप बाय परचेज कोटेशन, अगर परचेज कोटेशन वाइज लेना चाह रहा है तो भी क्या कर रहा है, सिलेक्ट किसको कर रहा है, अपने आप ये सिस्टम सिलेक्ट कर रहा है 100 वाले प्राइस को। तो हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि किसके बेस पे आपको ये करना है, ये सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से ये क्रिएट कर, उसके बाद हम क्रिएट करें। हमने गलती क्या करा, हमने एनालिसिस तो कर लिया लेकिन उसको सिस्टम को हमने इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि किसके बेस पे तुम्हें इसको सिलेक्ट करना है। एक गौर साहब तो अभी कनेक्ट कर रखे थे ना, हेलो गौर साहब आप आउट कैसे हो गए थे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम को इंफॉर्मेशन देना है। तो उस हिसाब से ये फिर आपका ये सिस्टम सेलेक्ट करेगा। अभी क्या हुआ, हमने सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दिया नहीं कि किस ग्रुप के बेस पे करना है, इस वजह से वो उठा के ले आया कि ये है, ठीक है। अब हम अगर इसको करते तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, जो लोएस्ट प्राइस वाला है वो सिलेक्ट कर रहा है और उसके बेस पे हम क्या करेंगे फिर अपना आगे जो भी चीज़ें बनाना है सॉर्ट कर लिया, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट कर सकिए, देखिए क्रिएट परचेज ऑर्डर। अब जैसे हम क्रिएट परचेज ऑर्डर करेंगे जो 100 रुपीज वाला है उसको आपका ये देखिए एक चौथा परचेज ऑर्डर बन गया। अब इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपका जो परचेज ऑर्डर बनेगा वो क्या करेगा, आपका सिस्टम खुद सिलेक्ट करके ला के देगा कि कौन सबसे लोएस्ट प्राइस का आपका आइटम है, कौन जो आप आइटम ले रहे हैं उसमें सबसे लोएस्ट प्राइस जो होगा वही सिलेक्ट करके देगा। ये देखिए चौथा नंबर पे ये बनाया, 10 क्वांटिटी था 100 रुपी प्राइस से, तीसरे नंबर पे क्या बना था जिसमें कि 20 क्वांटिटी था 200 के प्राइस से, ठीक है। तो एनालिसिस करने से ये बेनिफिट होगा कि अगर सपोज दैट आपने 5 आइटम ले रखा है तो उसमें से कौन सा पार्टिकुलर आइटम को उठाना है, तो एक ही आपको वेंडर से 5 आइटम बनाए तो ये सिस्टम क्या करेगा, सबसे चीपेस्ट जो आइटम होगा उसको उठा के लाएगा, ठीक है। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 5 वेंडर आपने उठा लिया और उस 5 वेंडर को ग्रुपिंग करके आप अगर देखना चाहते हैं कि उस 5ों वेंडर में से कौन सबसे चीपेस्ट दे रहा है तो उस केस में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कि अभी जो आप देख रहे थे उसमें क्या था, ग्रुपिंग आइटम, ग्रुपिंग वाइज वेंडर और ग्रुपिंग वाइज एक और था तीसरा ऑप्शन था, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रुप वाइज वेंडर, ठीक है। अगर मल्टीपल वेंडर सेम ही आइटम को दे रहा है तो उसके इसमें ग्रुप बाय आइटम एंड ग्रुप बाय परचेस कोटेशन नंबर, ठीक है। अगर सेम ही कोटेशन नंबर के बेस पे उठाना है आपको तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय वेंडर करना है तो हमने जैसे यहाँ पे देखिए अभी हमने ये बनाया था ऑर्डर, जो कोटेशन बनाया था वो हमने मल्टीपल आइटम के 2 बार बनाए हैं, इसमें एक ये बनाया था कोटेशन और दूसरा ये बनाया था, ठीक है। ये तो कैंसिल हो चुका है, ये वाला बचा हुआ है। अब मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं, इसी को डुप्लीकेट किया, ये वेंडर उठाया, अच्छा वो वेंडर तो ऑलरेडी बना हुआ है, किसी और वेंडर को हम बना देते हैं यहाँ पे, ये सेम ही वेंडर बनाए थे, हमें ग्रुपिंग करना है वेंडर वाइज। तो देखना है ये दोनों वेंडर को अगर हम अलग अलग लेते हैं तो ये डिफरेंट देता है कि नहीं, 100, ठीक है, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया हमारा 400, सेम आइटम हमने लिया। उसके बाद ठीक है यहाँ पे एड करते, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये 5 नंबर और इससे पहले एक और हमने लिया था, 5 नंबर पे है और आपका जो कोटेशन नंबर है वो कौन है, 5 नंबर है और ये आपका 2 नंबर है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं,
ये क्लोज्ड क्यों हो गया? अच्छा इसका बन गया, अच्छा ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो 5 नंबर और 6 नंबर हो जाएगा। इसको डुप्लीकेट किया, यस किया, ठीक है। अब है सो मैंने वेंडर वन सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने फिर से बना लिया नो। इसको मुझे चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है, तो मैंने नो कर दिया। अब 5 नंबर और 6 नंबर क्या हो गया? सेम आइटम का कोटेशन है विथ डिफरेंट प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद परचेज ऑर्डर पे है ये, तो हम कोटेशन समझ रहे हैं, यहाँ है ना कोटेशन, सॉरी वहाँ परचेज ऑर्डर बना रखे हैं। यहाँ पे आइए, ये है ओपन आपका, यह है 2 नंबर और इससे पहले 1 नंबर क्लोज हो चुका है क्योंकि तो हमने उसका एनालिसिस करके बना रखा है। तो हम इसी को डुप्लीकेट कर रहा है, विंडर हम चेंज कर देंगे, प्राइस चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको किया मैंने डुप्लीकेट नो, और इसको वेंडर को मैंने लिया वन, ये लिया वेंडर वन, ठीक है। कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, बस हम इसका क्वांटिटी रहने देते हैं, प्राइस हम चेंज करें। इसको कर दिया 100, इसको कर दिया 300, इसको कर दिया हमने 200, और इसको कर दिया 250। इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद हम इसको ऐड करते हैं। अब देखिए ये ऐड हो गया। अब हमारे क्या पास क्या है, दो कोटेशन हमने बनाया, 4 नंबर और 3 नंबर, वो सेम कोटेशन है, सॉरी 4 नंबर और 2 नंबर, ये सेम कोटेशन, सेम आइटम का कोटेशन है, बट दो वेंडर से हमने लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, परचेज कोटेशन कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे ग्रुप बाई वेंडर, वेंडर वाइज ग्रुप करवा को इसको ये कराएंगे, एनालिसिस करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों वेंडर को उठा के लिया, वेंडर वन ऊपर वाला है और वेंडर टू, दो वेंडर हमने सेलेक्ट किया था, V00001 एंड V00402। अब ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, ये देखिए बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट जो सेकंड वेंडर है, ये फर्स्ट आइटम जो है आपका, ठीक है, ये R13 है, ये जो RM13 जो है, RM13 यहाँ पे कितने का है, 300 का, ये कितने का दे रहा है, 100 का दे रहा है, तो इसको इसने रेड कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि RM जो आपका 15 वाला है वो 200 का दे रहा है। अब इसमें देखेंगे तो ये देखिए ये बताएगा कि ये कितने का दे रहा है। अब यहाँ पे क्यूटेड क्वांटिटी यहाँ है, अब ये बस एक ही आइटम को अभी सॉर्टिंग किया है, अभी ये फिर जब इसको बना लेंगे फिर दूसरा को सॉर्टिंग करेगा। तो अभी दोनों में कंपेयर किया, ठीक है। दोनों में कंपेयर करने के बाद आप जैसे ही इसको ऑर्डर बनाएंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट आइटम कंपेयर कर दिया, ये वाला पहला आइटम था उसको कंपेयर, लेकिन ये 13 है और ये आपका 5 है। अब इसमें रही बात कि हमें चाहिए इंडिविजुअल आइटम का, लेकिन इसने क्या किया, इसने वेंडर वाइज जब देखा तो प्राइस एनालिसिस किया। तो देखिए ये 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 300, यहाँ भी 250। अब इसने सबसे मिनिमम प्राइस वाले को उठाया, इसमें इस ये वेंडर जो सबसे मिनिमम प्राइस में दे रहा है इस आइटम को दे रहा है, और ये वेंडर जो R15 है उसको दे रहा है सबसे मिनिमम प्राइस में। इसमें देखेंगे तो R15 क्या है, R15 200 का है। तो इसने मात्र दो चीजों को ये लग रहा है जैसे चमड़ा फेंक दिया, नोचा गया होगा, वही होगा, छोड़ देना हाथ मत लगाना। क्यूटे डेट के साथ तो ये आपका दो आइटम ये वेरीफाई करके, अब जैसे ही आप इसको बनाएंगे यहाँ पे तो ये सिस्टम, अब ग्रुप बाय आइटम अगर देखते हैं, आइटम वाइज अगर ग्रुप आप करेंगे तो देखिए ये आपका आइटम वाइज कंपेयर करके ला दिया, ये आपका 13 नंबर जो है ये सबसे चीपेस्ट है, दिए देखिए ये दो आइटम हो गए, दोनों में सबसे चीपेस्ट जो है ए सी राइट, ठीक है। ये जो है आपका ये आ रहा है, ये आपका ये जो वेंडर है ये आपके यूजफुल है, इससे आप यूज करोगे। वेंडर वाइज आप ग्रुपिंग करेंगे तो नहीं फाइंड होगा, अगर आप आइटम वाइज कर रहे हैं, ग्रुप वाइज आइटम करेंगे तो देखिए ये R13 और R13 ये चीपेस्ट है तो ये 100 रुपीज का है, 14 और 14 में ये चीपेस्ट है जो 200 का, ये हमारा दे रहा है आपसे एक इंटरप्राइज सस्ती दे रहा है। अब ये क्या है आपका, ये अगर 15 और 15 में देखेंगे तो ये सबसे चीपेस्ट दे रहा है, अगर आप 16 16 देख रहे हैं तो अभिषेक इंटरप्राइज। तो इस कोटेशन के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आगे जब सिस्टम को कमांड देंगे तो ये क्या कर देगा आपका,
ऑर्डर बना के देगा। तो इस तरह से कोटेशन कंपेयर करते हैं, आपको करना कुछ नहीं, सिस्टम करेगा और आप इसका डायरेक्ट क्या करिए, आप ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, ये सॉर्टिंग किया, सॉर्टिंग करने है, ये तो सॉर्टिंग हो ही रखा है। ठीक है, अब आपका ये क्रिएट परचेज ऑर्डर, तो अभी ये सिलेक्टेड है तो उसी का बना के, अब आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कि ये और ये जो आपको सिस्टम वो करके दिया था, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कीजिए। सबको आपने कंट्रोल दबा के क्लिक किया, अब इसको जब क्रिएट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, एक परचेज ऑर्डर नहीं बना सकता इस पर। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो है आपका वेंडर 4M टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, और ये दोनों क्या है, ये तीनों जो है आपका अभिषेक इंटरप्राइजेस है। ठीक है, तो आप एक बार क्या कीजिए, इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए या इसको सिलेक्ट करके बना लीजिए, और दूसरा बार फिर इस तीनों को सिलेक्ट करके बनाइएगा। एक ही बार चाहिएगा, दोनों सेलेक्ट करके तो देखिए क्या करता है, बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। बन जाए तो अच्छी बात है, दो अगर एक ही साथ क्रिएट कर दे परचेज ऑर्डर। ये मैंने क्लिक किया, इसने परचेज ऑर्डर नंबर 8 क्रिएटेड। अब 8 नंबर हम परचेज ऑर्डर ओपन करके देखते हैं कि क्या इसने क्रिएट किया है, तब जाके हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या कहानी है इसका। परचेज ऑर्डर 8 नंबर देखें, तो 8 नंबर इसने क्या किया, अभिषेक इंटरप्राइजेस से उठा के लाया है। तो अभिषेक इंटरप्राइजेस में 3 आइटम था, वो 3 आइटम ये उठा के लाया है, और एक और था जो हमारा, ये देखिए सिंगल वाला यहाँ पे उठा के लाया है। तो दोनों ही बना दिया आपको, 7 और 8 नंबर दोनों एक ही साथ ये आपका सिस्टम क्या कर दिया, आपका परचेज ऑर्डर बना के ला दिया। तो इस तरह से हम लोग कोटेशन कंपेयर करके आइटम का परचेज ऑर्डर बनाते हैं। बताइए सर अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो। दुर्गेश सर, संजय जी, गौर साहब, ठाकुर साहब, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग यही यूज करते हैं, आइटम ग्रुप वाइज ही यूज करते हैं, वेंडर वाइज ग्रुप वाइज तो नहीं होता यूज। आइटम ग्रुप वाइज प्राइस एनालिसिस के लिए तो हम लोग करते हैं, तो उस केस में क्या हुआ कि आपका परचेज वो आपका ऑर्डर क्रिएट कर देगा। जब परचेज ऑर्डर बन गया उसके बाद चीजें तो आपके लिए स्मूथ हो जाएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। मेन क्या होता है कि कोटेशन आता है तो उसी समय हमें मेन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट वेंडर ने हमें कोटेशन भेजा है और उसको कैसे एनालिसिस करके हम बनाए। ठीक है, तो अब परचेज ऑर्डर हमारा बन चुका है, तो परचेज ऑर्डर बनने के बाद आप GRPO करेंगे। GRPO मीन्स, अरे संजय जी सब चौपट कर दिया आपने, सब लॉक कर दिया है, मैंने सारा डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट चला के रखा था, सब लॉक हो रखा है। लॉक नहीं करना था ना, आप आगे बनाते, लॉक क्यों कर दिया है, फिर लॉक कर रखा है, ये देखो। अब हम जैसे ही GRPO ओपन करेंगे यहाँ पे अब वेंडर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उस पार्टिकुलर वेंडर का हमारा ये ऑर्डर बन चुका है। तो दो वेंडर था, V01 और V02, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ कॉपी फ्रॉम करेंगे तो जो भी परचेज ऑर्डर इस वेंडर के नाम पे बने होंगे वो सारे आपके परचेज ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे। जो परचेज ऑर्डर का आपको MRN बनाना है, MRN मतलब कि जो मटेरियल आया है उसका रिसीव नोट्स बनाने हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सपोज दैट इसका बनाना है 7 नंबर जो सिंगल आइटम का था, ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से फिनिश किया, तो ये देखिए सारा का सारा डेटा अपने आप उठ के आ गया। 200 रुपीज प्राइस से था, ये IGST लग के आ गया इस पर, ये क्वांटिटी था, सर एवरीथिंग इस पर लगा हुआ है MRN। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे ही ऐड कर देंगे तो ये आपका MRN क्रिएट हो जाएगा। इसको क्रिएट करने से पहले मैं आपको जनरल एंट्री दिखाता हूँ कि अकाउंट इंपैक्ट क्या होता है, क्योंकि आपका मेन जो है अकाउंट का इंपैक्ट GRPO से ही शुरू होता है। अभी तक जब तक परचेज ऑर्डर तक रहता था तो कोई भी अकाउंट इंपैक्ट GL अकाउंट इंपैक्ट नहीं जाता, क्योंकि परचेज ऑर्डर तक क्या होता है, सिर्फ आपने एक ऑर्डर बनाया है, कोई भी ट्रांजेक्शन आपका ना आपके यहाँ से कुछ गया है ना कहीं से कुछ आया है, इसीलिए वहाँ पे अकाउंट इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन जब मटेरियल आता है हमारे यहाँ, हम वेयर हाउस में इन करते हैं, तब स्टॉक अकाउंट इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अकाउंट इंपैक्ट क्या जा रहा है। तो यहाँ पे आएंगे और जनरल एंट्री को हम प्रीव्यू करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए, गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस, ये क्या था, जो हमने इससे पहले आइटम ग्रुप बनाया था आपको याद होगा, एलोकेशन अकाउंट हमने उसमें मैप किया था गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस,
तो वो क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया, और स्टॉक ऑफ आरएम अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। स्टॉक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया क्योंकि स्टॉक अकाउंट में क्या हो रहा है, मटेरियल हमारा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और परचेज अकाउंट क्या हो गया आपका, डेबिट हो गया। तो ये क्या है, ये एलोकेशन अकाउंट होते हैं, ये जो गुड रिसीव नॉट इनवॉइस, मैंने पहले भी बताया था आपको, इस अकाउंट के बैलेंस से आप पता कर सकते हैं कि कितने ऐसे मटेरियल आए हैं जिसके कि अभी तक इनवॉइस नहीं हुए बट एमआरएन हो चुके हैं, ठीक है। तो इस अकाउंट को देख के आप बना सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट, ये क्या है, सैंपलिंग अकाउंट चलता है जो क्या करता है, परचेज अकाउंट को डेबिट कराने के लिए होता है। तो ये परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से जनरल एंट्री जाता है। अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो अकाउंट जो हम मैप कर रहे थे उसका मीनिंग क्या था। अब यहाँ पे आए, मैं आपको इस आरएम आइटम का जो अकाउंट मैप है ये दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, लोकेशन अकाउंट गुड रिसीव नॉट इनवॉइस है, यहाँ पे क्या है, परचेज अकाउंट ये जा रहा है आपका परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट, ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट, ये है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट। तो ये दोनों एलोकेशन, यही सारे अकाउंट है जो वहाँ अकाउंट इम्पेक्ट पड़ता है जब ट्रांसन होता है, इसी के बारे में बता रहा था पहले, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अब आप इस चीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों हम अकाउंट मैप कर रहे थे और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे जैसे अकाउंट में हमारे मटेरियल आते जाएंगे स्टॉक में, ये स्टॉक अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होता जाए और बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये आपका गुड रिसीव नॉट इनवॉइस हुआ, जैसे ही आप इसका इनवॉइस हो जाएगा तो ये जो अभी क्रेडिट हुआ है वहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब नलिफाइड हो जाएगा, मतलब ये अकाउंट फिर जीरो हो जाएगा। अभी जैसे ही मैं ऐड करूंगा आपको गुड रिसीव नॉट इनवॉइस में चेक करके दिखाऊंगा, आप देखना उसमें ये जो 20,000 अमाउंट है उससे वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, ये मैंने इसको ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड किया अब आप देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ आने के बाद अब आप जीएल अकाउंट चेक कीजिए, तो जीएल अकाउंट में आप देखेंगे गुड रिसीव नॉट इनवॉइस क्या हो गया आपका, 20,000 से यहाँ पे क्रेडिट हो गया होगा, तो वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, गुड्स रिसीव नॉट इनवॉइस, वो जो अकाउंट था आपका इसमें था एलोकेशन अकाउंट, मुझे देखना पड़ेगा नंबर क्या था, यहाँ पे आपका गुड रिसीव नॉट इनवॉइस जो है वो आई थिंक 2 से स्टार्ट और लाइबिलिटी में है ये, ठीक है, यहीं से आ जाते हैं। ये देखें गुड रिसीव नॉट इनवॉइस ये आपका है, ये अकाउंट कितना हो गया माइनस में दिखा रहा है, मतलब ये क्रेडिट हुआ है अभी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर वो दिखाएगा किस डॉक्यूमेंट के भी आप पे ये हुआ है, 7 नंबर जो था हमारा परचेज ऑर्डर उसके बेस पे एमआरएन बना है, और उसके बेस पे क्या हो गया, ये ग्रीन जो होता है क्रेडिट अमाउंट होता है, क्रेडिट हमेशा हमारा जो जीएल बैलेंस होता है उसमें निगेटिव में दिखाता है, तो ये निगेटिव में दिखा रहा है, ठीक है। किस ब्रांच का है ये, एबीसीडी ब्रांच है उसमें हुआ है, और ये आपको क्रेडिट ये दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए क्रेडिट दिखा रहा है, डेबिट क्या है नील है, ठीक है, ये कॉमुलेटिव बैलेंस है, तो कॉमुलेटिव बैलेंस क्या जाएगा, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो इसके लिए क्या आ रहा है, ये आपका बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट है। तो इस तरह से अकाउंट इम्पेक्ट पड़ता है जिसके लिए हम लोग जीएल अकाउंट बनाते हैं, अदरवाइज जीएल अकाउंट की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से हम लोग जीआरपीओ बना लेते हैं, जैसे ही हम जीआरपीओ बना लेंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे एपी इनवॉइस पे, एपी इनवॉइस अगेन सारा इन्होंने गलत कर दिया यार, सारा मेहनत मेरा, ये सब लॉक करने की क्या जरूरत थी, ठीक है ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं एपी इनवॉइस बनाते हैं, जैसे ही आप एपी इनवॉइस खोलेंगे हम उस पार्टिकुलर वेंडर को ओपन करते हैं जिसका हमें एपी इनवॉइस बनाना है। यहाँ पे ओपन किया एपी इनवॉइस ओपन, जैसे ही आप इस वेंडर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे जीआरपीओ बनाएंगे, जीआरपीओ में देखेंगे तो ये इसका जीआरपीओ बना हुआ है, यहाँ से आप इसको चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद क्या हो जाएगा इसको फिनिश करेंगे, सारे डेटा वैल्यू आ गए यहाँ पे। अब क्या करना है इसका इनवॉइसिंग करना है, इससे पहले मैं आपको जनरल एंट्री चेक कराता कि इस पर क्या अकाउंट इम्पेक्ट जाता है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, 4 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, क्यों आ रहा है,
इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट हमारा चलना चाहिए वो सही नहीं चल रहा। 3 बार ये नहीं आना चाहिए था, एक ही बार आना चाहिए था। तो ये टोटल बैलेंस कितना है, 20,000 और 21,000, ये 3 बार डिवाइड करके क्यों ला रहा है इसको देखते हैं। दिन में मैंने इसको देखा था, किया भी था, क्या इशू था इसमें, टैक्स आ रहा है, वैल्यू टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें क्या है, पेमेंट टर्म कंडीशन जो बना होगा वो 3 इंस्टॉलमेंट में होगा, इसीलिए क्या कर रहा है ये 3 बार ला रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इंस्टॉलमेंट 3 है, इसीलिए आप जब इसका जनरल एंट्री चेक कर रहे हैं तो 3 बार ये वेंडर क्रेडिट हो रहा है। ये देख रहे हैं वेंडर 3 बार क्रेडिट हो रहा है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा ये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगा ये, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए 3 बार जनरल एंट्री में दिखा। अगर आपने यहाँ पे आए और इसका पेमेंट टर्म कंडीशन चेंज कर दीजिए तो फिर आपका इंस्टॉल एक ही बार में आएगा ये। अब आप इसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो इस केस में क्या होगा, सिंगल आ रहा है, ठीक है। तो वो जैसा कि हमने पेमेंट टर्म कंडीशन बना रखा है कि फर्स्ट 10 डेज में आपको 40% देना है, नेक्स्ट आपको महीने के 5 डेज में आपको 50% देना है, और उसके बाद लास्ट सेकेंड मंथ के महीने में आपको रिमेनिंग 10%। तो उस हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट में सिस्टम क्या कर दिया, उस बैलेंस को डिवाइड कर दिया था। अब ये क्या हो गया, ये जो आपका है ये आपका सिंगल में हो गया क्योंकि मैंने पेमेंट टर्म ये चेंज कर दिए। अब एपी वाइज हम बना रहे हैं तो क्या होगा, वेंडर हमें मटेरियल दे रहा है तो वेंडर क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया। और देखिए गुड्स रिसीप्ट नॉट इनवॉइस, इससे पहले जो एमआरएन हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें वो क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है ये डेबिट हो रहा है। तो यहाँ डेबिट हुआ, अभी आपने देखा था -20,000 दिखा रहा था गुड्स रिसीप्ट नॉट इनवॉइस अकाउंट पे, आप ये जब एमआरएन बनाया था माइनस किस केस में, क्योंकि क्रेडिट हुआ था। अब यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सरप्लस 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका गुड रिसीप्ट बट नॉट इनवॉइस अकाउंट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये अकाउंट जो चलता है एमआरएन और इनवॉइस को बैलेंस करने के लिए चलता है, जो गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस है वो एमआरएन पे क्रेडिट होता है और आपका एपी इनवॉइस पे आके डेबिट हुआ था। दोनों क्या हो जाता है, नलीफाइड होता है, क्रेडिट और डेबिट इक्वल हो गए और क्या हो जाएगा, नलीफाइड हो जाएगा। ये आईजीएसटी इनपुट टैक्स अकाउंट, ये 1000 से आपका टैक्स लग रहा है वो है। अब आप इसको क्लोज करके आप इसको ऐड कीजिए, फिर आपको चेक कराते हैं कि इनवॉइस जो गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस का क्या हुआ। अब ये देखिए, अब ये बन गया, अब आते हैं फिर से यहाँ पे आए, अब इसको चेक करते हैं गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका 0 बैलेंस हो गया। अब इस पे जब क्लिक करेंगे कैसे 0 हुआ, तो अब यहाँ देखिए क्या हो गया, जो बैलेंस इसका स्पेंडिंग था माइनस जो क्रेडिट था वो आपका रिकनसाइल हो गया, जो हमने अभी अमाउंट इसको क्रेडिट किया डेबिट किया था उससे, क्रेडिट और डेबिट दोनों हो गया, दोनों बैलेंस प्लस माइनस इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, नलीफाइड। अगर जब तक ये एपी इनवॉइस नहीं बनता तो उस केस में क्या होता, हमारा जो बैलेंस होता वो ऑलरेडी उसमें गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस में स्टैंडिंग रहता, तो उस बैलेंस को देख के हम बता सकते थे कि दिस मच अमाउंट का अभी तक क्या हुआ है, जो वेंडर का अमाउंट है वो अभी तक इसका इनवॉइसिंग नहीं हुआ है। अगर इनवॉइसिंग हो गया उस आइटम का तो वो क्या हो जाएगा, नलीफाइड हो जाएगा, ठीक है। और वेंडर यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, बाकी ये सारे अकाउंट क्या हो गया, डेबिट होता है। ये जनरल एंट्री पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में, क्योंकि अकाउंट इम्पेक्ट ही जानना चाहता है कि यूजर जो जो हमारा कंसल्टेंट है या जो भी आप जाएंगे वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें अकाउंट ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एपी इनवॉइस बन गया, वेंडर का बिल तैयार हो गया, एमआरएन बन गया था, हमारा मटेरियल आ गया था, उसके बाद वेंडर का बिल बन गया। बिल बनने के बाद क्या होगा, अब उसका पेमेंट होगा, बिल तो आपने बना दिया, अब उस बिल के बेस पे क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे, बैंकिंग में आएंगे। जैसा कि वेंडर को हमें पेमेंट देना है तो उस केस में क्या करेंगे, आउट गोइंग पेमेंट को ओपन करेंगे। यहाँ से आउट गोइंग पेमेंट ओपन किया, यहाँ पे क्लिक किया और ये फर्स्ट वेंडर को हमने सिलेक्ट किया, यही था हमारा। फर्स्ट वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, देखेंगे ये बिल, ये देखे 21,000 का था, ये बिल हमें दिखा रखा है, इस बिल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है किससे पेमेंट करना है, चेक से करना है, बैंक ट्रांसफर करना है, क्रेडिट कार्ड या कैश कार्ड। सॉरी मैं अभी चेक से पेमेंट नहीं कर सकता, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हाउस बैंक बनाना पड़ेगा, ठीक
ठीक है, या आपकी कंपनी के जो भी बैंक अकाउंट है, हाउस जितना भी बैंक है, उसको इसमें मैप करने पड़ेंगे। जो इसमें मैप नहीं है तो अभी हम ओनली बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बैंक ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। बैंक ट्रांसफर पे क्लिक किया, यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जो बैंक का जो जीएल अकाउंट होगा उसको मैप, ये देखिए ये सारे बैंक अकाउंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट जीएल अकाउंट पे, अब इसमें से हमने इसको चूज कर लिया। ये चूज करने के बाद यहाँ पे आए, टोटल पे कंट्रोल बी बी फॉर बॉम्बे डालेंगे तो जितने भी बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। कुछ बैंक चार्ज वगैरह अगर लगेंगे तो लगाइए, नहीं लगाएंगे तो इसको ओके कर दीजिए। ये पेमेंट मीन्स आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब इस पर आप जनरल एंट्री चेक कर सकते हैं कि क्या जा रहा है जनरल एंट्री। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो क्या देखेंगे, ये देखिए इस बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रहा है वेंडर को, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रेडिट हो जाएगा, और जिसको दिया है वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। तो वेंडर हमारा डेबिट हो गया, वेंडर को पैसा चला गया और हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये जनरल एंट्री हुआ, तो इसको हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो गया, बिल का पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका कोई बिल नहीं दिखाएगा जो अभी तक पड़ा हुआ था, अब क्या यहाँ पे कोई बिल नहीं है, ठीक है। तो इसका बैलेंस पहले ड्यू दिखा रहा था, अब बैलेंस क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये अकाउंट बैलेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका परचेस साइकिल चलता है। परचेस साइकिल में आप बनाते हैं, पहले कोटेशन बनाते हैं, फिर आप सॉरी पहले आप परचेज रिक्वेस्ट बनाते हैं, फिर कोटेशन बनाते हैं, फिर परचेज ऑर्डर बनाते हैं, फिर आप एमआरएन बनाते हैं, एमआरएन बनने के बाद आप एपी इनवॉइस बनाते हैं, फिर आप क्या करते हैं उस इनवॉइस और उस बिल का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूरा परचेस साइकिल होता है, ठीक है, और इस तरह से आपका परचेस साइकिल चलता है। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इसके रिगार्डिंग तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। बोलिए सर। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया, अकाउंट आप पता चला, उस समय नहीं समझ में आ, बोल रहा था ना अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा। अब समझ में आया आपको कि अकाउंट सर, क्यों हम मैप कर रहे थे। हाँ सर, जैसे रूटीन में क्या होता है ना, कोई यूजर गलत एंट्री कर देता है जीआरएन बनाने में हाँ या परचेज ऑर्डर बनाने में, हाँ तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे या रोल बैक कैसे करेंगे? अच्छा, परचेज ऑर्डर बनाने में अगर गलती बनाए तो उसे कैंसिल का ऑप्शन आता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, अब तो ये क्लोज हो गया। अभी अगर आप इसको देखना चाहते हैं जो हमने अभी पेमेंट किया है कि उसका क्या हुआ, तो जो अगर आपने पेमेंट कर दिया गुड, जैसे ये था ना, इसी का ना हमने अभी पेमेंट किया, आप देखिए इसका स्टेटस जो दिखाएगा क्या है। हम अभी बंद करके फिर से ओपन करते हैं क्योंकि वो ओपन था ना, अब इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर सपोज दैट ऑर्डर बनाने जब तक पेमेंट नहीं होगा वहाँ तक आप डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर सकते हैं, जब पेमेंट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट वो क्या हो गया, प्रोसेस क्लोज हो गया, पूरा साइकिल आपका। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जिस ऑर्डर का मैंने पेमेंट किया था उसका रिलेशनशिप मैप आपको सिंगल वाला 7 नंबर था, आपको याद होगा, तो जो हमने कोटेशन से यही था, ये देखिए क्लोज हो रहा है ना। तो आप यहाँ से अगर जाएंगे तो यहाँ से रिलेशनशिप मैप दिखाता है, ये रिलेशनशिप मैप ये बताता है कि इस पार्टिकुलर जो ऑर्डर है ये कहाँ से है। पहले परचेज कोटेशन बनाया हमने, फिर परचेज ऑर्डर बनाया, ठीक है। अब अच्छा, कोटेशन ओपन है, क्यों ओपन है कि इस कोटेशन के बेस पे 2 ऑर्डर बना था, 7 नंबर और 8 नंबर बना था। 7 नंबर तो कंप्लीट हो गया लेकिन 8 नंबर ऑलरेडी अभी बचा हुआ, जिसमें 3 आइटम थे और अभिषेक इंटरप्राइजेज या क्या नाम था वो था, तो इसीलिए ये आपका ओपन दिखा रहा है ये कोटेशन। देखिए इसमें जो कोटेशन में था ये फर्स्ट वाला आइटम तो कंप्लीट हो गया, ये क्लोज हो गया, ये सोलिडिफाई हो गया, लेकिन ये वाला अभी नीचे वाला बचा हुआ है इसीलिए ये अभी सोलिडिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे अगर देखिए तो परचेज ऑर्डर क्लोज हो गया, गुड रिसीव क्लोज हो गया, एपी इनवॉइस क्लोज हो गया, एंड आउट गोइंग पेमेंट हो गया, तो ये भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप जीआरपीओ नहीं बनाए होते तो आपका ये परचेज ऑर्डर ओपन रहता, जैसे ही आप जीआरपीओ बनाएंगे परचेज ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। जब आप जीआरपीओ बना लिए इसका इनवॉइस होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, सिस्टमेटिकली चलता है ये। जैसे ही आपने इनवॉइस बनाया उसका आउटगोइंग पेमेंट होगा तो फिर इनवॉइस क्लोज हो जाएगा, तो ये प्रोसेस चलता है। अब रही बात कि इसमें से किसी को गलती बन गया उसका कैंसिल, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन दे रहा है ना, तो आप यहाँ पे आएंगे कैंसिल करेंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये कैनट कंसीव फुल्ली और पार्शियली पेड डॉक्यूमेंट कैंसिल पेमेंट फर्स्ट,
मतलब कि आप अगर पेमेंट कर दिए तो आप इसको क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बोला कि पेमेंट हो चुका है तो आप फुल्ली आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। उसको कैंसिल करने से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो पेमेंट किया है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको हमने डबल क्लिक किया, ये पेमेंट आया, इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसको कैंसिल कीजिए। जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे आप देखेंगे कि आउटगोइंग पेमेंट यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए मैंने किया, ये क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप रिलेशनशिप मैप अगर चेक करिए, देखिए एप इनवॉइस का अगर देखेंगे तो ये देखिए इनवॉइस क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया। अभी क्लोज था ना, ये ओपन हो गया। अब सपोज दैट ये भी गलती बन गया है तो ये भी इसको आपको सिस्टम में बैकवर्ड चलना पड़ेगा। अभी हम फॉरवर्ड चल रहे थे, अब इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ये गलत बन गया तो इसको आपने कैंसिल किया, अब ये कैंसिल नहीं हुआ, एपी इनवॉइस कैंसिलेशन पे अभी गया है। आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये बोलेगा कि अगर आप कैंसिल करेंगे तो इसका कैंसिलेशन या डॉक्यूमेंट इज इरिवर्सिबल। आफ्टर यू ऐड दिस कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट द सिस्टम पोस्ट रिवर्स ट्रांजेक्शन। रिवर्स ट्रांजेक्शन में कहने का मतलब क्या, जो क्रेडिट हुआ था अब वो डेबिट हो जाएगा, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो नलीफाइड हो जाएगा जो ट्रांजेक्शन हुआ था। अगर आप यस करेंगे तो ये क्या कर देगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्लोज हो गया। अब आप इस पे देखेंगे कि इसका एमआरएन, तो एमआरएन क्या हुआ होगा, अब इसका एमआरएन ओपन हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जब ये कैंसिल हो गया, इनवॉइस कैंसिल हो गया, तो ये एमआरएन देखिए यहाँ पे लॉक ओपन हो गया ना, ये एमआरएन ओपन हो गया। ठीक है, अब एमआरएन कैंसिल करना है, राइट क्लिक करके आप इसको कैंसिल कर दिए। ऑर्डर कैंसिल करना है, ऑर्डर कैंसिल करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप ऑर्डर के तो कैंसिल कर सकते, क्योंकि उस पर कोई इम्पेक्ट जाता नहीं है। तो इसको कैंसिल करना है तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं वही तो बोला, अभी क्या बोला था ट्रांजेक्शन में कि रिवर्स एंट्री जाएगी, तो अगर आप उसको कर रहे हैं तो रिवर्स एंट्री जाएगी उसकी, जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होगा, डेबिट हुआ तो उनके अकाउंट में जाएगी, जीएल में होते खाएगा, वो जनरल लेजर में वो कंप्लीटली दिखाएगा। वो सही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है आपको। यहाँ पे जो हमने कैंसिल कर दें तो ये जाएगा, अभी जो देखेंगे तो अभी क्या होगा, अब इसकी जनरल एंट्री चेक करते हैं, ये ओपन हो गया ना। अब देखिए जो हमने ये जो 20,000 से इसको जो क्रेडिट किया था, गुड्स रिसीव्ड नॉट इन्वेस्टमेंट नलीफाइड हो गया था ना इन्वॉइस बनने पर, अब क्या हुआ होगा, ये फिर से स्टैंडिंग हो गया, ये देखिए 20,000। अब आप इसको जब चेक करेंगे तो ये देखिए, ये अभी तक, अब आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो दोनों ही ट्रांजेक्शन आएंगे, जो ये है वो और जो कैंसिल करेंगे वो। अब आपको कैंसिल करके दिखाते हैं इसको, अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका रिवर्स ट्रांजेक्शन जाएगा। कैंसिल कीजिए, कैंसिल किया, ठीक है, कैंसिल करने के बाद ये आपका कैंसिलेशन के लिए जा रहा है, फिर ये बोलेगा कि रिवर्स ट्रांजेक्शन जाएगा इसका, तो आप इसको ऐड कीजिए। अच्छा सर, हम इसको गुड्स रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हैं क्या? हाँ, जो आपका मटेरियल हमारे अगर गलत बन गई, ठीक है, देखिए जब भी मटेरियल इनकमिंग होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्रेडिट डेबिट से उसको एडजस्ट करते हैं, बढ़ गया घट गया तो उसको क्रेडिट और डेबिट नोट से ही एडजस्टमेंट चलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होता है, जनरली ये प्रैक्टिस में नहीं होता, आप उसको क्रेडिट या डेबिट से ही, अगर बढ़ जाएगा तो और घट जाएगा तो, ठीक है, उस हिसाब से आप मेंटेन करें। ये नहीं कि बार बार हम कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल का प्रावधान इसमें नहीं है। अगर आपने गलती कर दिया तो फिर आप उसको क्रेडिट या डेबिट अगर बढ़ा दिया घटा दिया तो उसको क्रेडिट या डेबिट से ही मेंटेन करेंगे। वो मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा क्रेडिट एंड डेबिट, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस का जीएल अकाउंट की क्या उस पर इम्पेक्ट पड़ा। तो अब मैं आता हूँ, जीआरपीओ हो गया खत्म, गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस, कहाँ था,
इतना करने से अच्छा यहाँ लिख देते हैं गुड टू दिस, ये आ गया हमारा। देखिए बैलेंस जीरो दिखा रहा है, अब इसको जब क्लिक करेंगे तो अच्छा वो उसको वो कर दिया, रिकनसाइल कर दिया सिस्टम ने, ठीक है। तो ये इस तरह से रिकनसाइल। अब इसको अगर जनरल लेजर हम खोल के देखें, देखिए जनरल लेजर में देखता हूँ क्या आया, क्या रिकॉर्ड आना चाहिए इसको, क्योंकि जनरल लेजर में ये दिखाएगा कि क्रेडिट और डेबिट जो हुआ है वो दिखाना चाहिए। यहाँ तो रिकनसाइल होगा, जनरल लेजर में देखते हैं हम। यहाँ पे आए, ये अकाउंट उठाया मैंने, फाइंड गुड्स रिसीव इक्वल, नाम उठाया यहाँ पे, क्योंकि हमें एक पार्टिकुलर अकाउंट का देखना है। यहाँ पे आए, यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हमने गुड, ये देखिए आ जाएगा हमारा गुड रिसीव, नहीं आया गुड रिसीव नॉट इनवॉइस, जीएल इंक्रीज डिक्रीज, ये है गुड रिसीव बट नॉट इनवॉइस, ये हो गया, ये सब डला हुआ है, ठीक है। पोस्टिंग डेट वगैरह सब डला हुआ है, ओके कर दिया इसको। ये देखिए ये ट्रांजेक्शन दिखा रहा है गुड रिसीव नॉट इनवॉइस में क्या क्या हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए गुड रिसीव नॉट इनवॉइस कैंसिलेशन आया ना, ये पहले तो ये बना रहा है, ये देखिए ये जो बना है गुड रिसीव नॉट इनवॉइस ये आपका कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या दिखा रहा है परचेज, ये देखिए यहाँ पे 20,000 से आया था माइनस में, और यहाँ पे देखिए ये 20,000 रिवर्स वाला जो है वो रिवर्स यहाँ पे, तो जीएल अकाउंट में जाता है। इसी के बारे में बोलता है कि उसका जो बैंक अकाउंट है ना, जो वो बुकता है, बोलता है कि बुक में मेरा वो जाता है उसका रिवर्स ट्रांजेक्शन, वो यही चीजें बोलता है आपको कि मेरे बुक में ये बार बार चीजें रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए जब ये बनाया था मैंने तो ये अकाउंट से आपका क्रेडिट हो गया था, जब इसको मैंने कैंसिल किया तो इतने अमाउंट से क्या हो गया डेबिट हो गया, ठीक है। और ये दोनों ये ग्रीन वाला क्या होता है क्रेडिट अमाउंट, ये क्या आपका डेबिट अमाउंट, तो क्या क्योंकि क्रेडिट डेबिट दोनों इसी में जा रहा है आपका, तो ये आपका क्या होगा नलीफाइड होगा। अगर आपको देखना है तो यहाँ से आइए और यहाँ से क्रेडिट डेबिट को उठा लीजिए, तो आपको वो दोनों क्लियर दिखेंगे। क्रेडिट ये डेबिट बैलेंस ये वाला सेलेक्ट कीजिए और इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए दूसरा, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये 20,000 हमारा क्या हुआ डेबिट हुआ जब कैंसिल हुआ, और ये 20,000 क्या हुआ था क्रेडिट हुआ जब हमने बनाया था डॉक्यूमेंट। याद है आपको जब हम जीआरपीओ बना रहे थे तो क्या हो रहा था गुड रिसीट नॉट इनवॉइस हो रहा था, तो क्रेडिट हो गया यहाँ पे, और जब कैंसिल किया यहाँ पे तो ये क्या हो गया डेबिट हो गया। तो वही चीजें बोलता है कि रिवर्सल ट्रांजेक्शन जाएगा, रिवर्सल ट्रांजेक्शन का मतलब कि जो अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट। अब देखिए जब ये गया था तो ये अमाउंट क्या हुआ था डेबिट हुआ था वेंडर को, यहाँ पे क्या हो गया फिर ये क्रेडिट हो गया, तो जस्ट उल्टा ट्रांजेक्शन कर दिया रिवर्स ट्रांजेक्शन। और ये सारा एंट्री क्या होगा इसके जनरल लेजर में जाएगा, और इसीलिए क्या बोलता है अकाउंट वाला कि तुम बार बार कैंसिल मत करो क्योंकि अकाउंट में हमारे वो एंट्री जाते हैं, तो इसी की बात करता है। गौर साहब क्लियर हुआ सर? हाँ दुर्गेश सर बताइए कोई क्वेश्चन हो परचेस साइकिल के बारे में। ठीक है सर, क्रेडिट डेबिट मैं नेक्स्ट डे करा दूंगा आपको, कल आज नहीं कराऊंगा, ठीक है, इसलिए नहीं कराऊंगा कि घोच पोच हो जाएगा। तो अब आप लोग जब भी टाइम मिले तो इसको मैं वीडियो कल डाल दूंगा, वीडियो भी देखिएगा प्लस ऐसा इसको जब टाइम मिले शाम को जैसे 8:15 मैं आ जाता हूँ तो उसके बाद आप इंडेक्स लेके आधा घंटा एक्स्ट्रा देके इसको चला के देखिए, तभी जाके आप इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तो चला दिया आप लोग देखिए यार इजी है, लेकिन जब आप खुद से चलाओगे तो थोड़ा सा फील होगा कि हाँ क्या है। तो जो परचेज डिपार्टमेंट होती है ये यही काम करती है आपका, ये बिल से लेके जो बिल बना है जीआरपीओ स्टोर वाला बनाता है, बिल और पेमेंट क्या करता है अकाउंट वाला करता है, और परचेज ऑर्डर जो बनाता है या वो बनाता है आपका परचेज डिपार्टमेंट, कोटेशन भी आपका एनालिसिस करता है परचेज डिपार्टमेंट, रिक्वेस्ट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से हो सकता है, वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हो सकता है, या फिर कि दूसरी डिपार्टमेंट जो जनरल यूज के चीज़ें हैं वो आपका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से आएगा, तो रिक्वेस्ट आएगा कि हमें ये मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पूरा परचेस साइकिल है, परचेस साइकिल में आपका क्रेडिट और डेबिट में वो बच गया है, वो हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। आज के लिए सेशन हम यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं, नहीं क्वेश्चन है चलिए, ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।
Mm-hmm.